गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक ही होंगे। और मैंने भी सुबह का अपना सारा काम खत्म कर चुकी हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। शायद आप लोग का भी ब्रेकफास्ट हो चुका होगा। और अभी मैं लंच की तैयारी करूँगी और आज मैं लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, फिश करी और चावल। और फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं और मैं आज फिश करी में एक पत्ता डाल के बनाऊंगी। तो ये है ये पत्ता। शायद धूप की वजह से आपको पहचानने में मुश्किल हो रही होगी, तो मैं इसे थोड़ी तोड़ती हूँ। और ये पत्ता खाने में अच्छा ही लगता है, लेकिन मेरे पास एक ही पेड़ है और अपने आप से उगा हुआ है, हमने लगाया भी नहीं, खुद ही से हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो पत्ता क्या है। तो ये है पत्ता, हम इसे खट्टा पत्ता कहते हैं और इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे जरूर बताना, मुझे इसकी इंग्लिश भी पता नहीं और हिंदी भी पता नहीं। तो फिश करी में ये डालने से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं अभी लंच की तैयारी करती हूँ और बाद में आपसे बात करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने फिश फ्राई करके रख दिया था तो मैं यहाँ फिश करी बना रही हूँ और टमाटर की चटनी भी बनाऊंगी। टमाटर को ऐसे जला के चटनी बनाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और मेरी फिश करी बन के रेडी हो चुकी है, अब मैं चटनी बनाती हूँ। और यहाँ मैंने बेटा का रूम का कपड़ा सुबह ही सूखने के लिए दिया था तो वो सूख गया है, तो उसे उठा रही हूँ। और यहाँ मेरा डॉगी मुझे देख ही रहा है तो मैंने उसको बुलाया खेलने के लिए और वो मेरे साथ अभी खेल रहा है और इसे खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दिन भर घर में ही रहता है तो इसलिए हमसे ही ज़्यादा खेलता रहता है। और यहाँ नींबू के पेड़ में छोटा छोटा नींबू हुआ है लेकिन फूल बहुत ही ज़्यादा आया था लेकिन सब गिर गया है और दो तीन ही नींबू बचा हुआ है। अभी जाके खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़े टाइम रेस्ट करूँगी और 4:30 से मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो अभी मैं डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ और अभी से शुरू करूँगी तो 6:30 तक तो मेरा डिनर बनाना कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं थोड़ी टाइम रेस्ट करूंगी क्योंकि घर में कोई गेस्ट आने से खुद खाना बनाओ और गेस्ट बैठा रहे तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं अभी से खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलके ही खाना बनाएंगे और मुझे मीट काटना आता नहीं है तो मैं कभी भी मीट नहीं काटती हूँ, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ही मीट काट रहे हैं। आप भी देख लीजिए मेरे हस्बैंड कैसे मीट काटते हैं। और यहाँ मुर्गी का मीट अच्छे से काट के नहीं देता है, उसकी स्किन रह जाती है तो उसको निकालना पड़ता है, तो उसको निकाल के हम डॉगी के लिए रख देते हैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ डॉगी के लिए एक पॉलीथीन में पैक करके और फ्रिज में रख दिया है, बाद में मुझे जब टाइम मिलेगा मैं उसको फ्राई करके उन लोग को दे दूंगी खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही ज़्यादा काम में मदद करते हैं, कोई भी काम हो और किसी भी चीज़ में सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा करते हैं, उनकी यही बात मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम यहाँ बातें भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, अकेला अकेला काम करने से अच्छा नहीं लगता है, दो आदमी होने से बातें भी होती है, काम भी हो जाता है जल्दी जल्दी। आज हमने जिनको खाना खाने के लिए बुलाया है वो दुर्गा पूजा में टीका लगाने के लिए आ नहीं पाए क्योंकि उस टाइम हमारे रिश्तेदारी में किसी का डेथ हो गया था, तो
तो इसीलिए हम नहीं बुलाए टीका लगाने के लिए। तो अभी उनका श्राद्ध भी हो चुका है, तो इसीलिए आज हमने खाना खाने के लिए उनको बुलाया है। और फ्रेंड, मेरे हस्बैंड यहाँ मटन बना रहे हैं और मैं यहाँ चिकन बना रही हूँ। अब यहाँ मुर्गी को खाना दिया जा रहा है। और देखिए कितनी बड़ी हो गई है। और यहाँ हमने जिनको बुलाया था वो सब आ चुके हैं। और ये है हमारे सबसे बड़ा गेस्ट, और ये है मेरी ननद, अभी बीमार है, पहले से थोड़ा अच्छा है। और आप लोग भगवान से प्रार्थना कर दीजिए कि ये जल्दी ठीक हो जाए। और आज की हमारा डिनर दाल, केले के फूल की चटनी, सामटॉक और बीन्स बॉयल, राजमा, चिकन और मटन करी, मीठे में खीर। और यहाँ है मेरे ननद, मेरे ननद के हस्बैंड और उनका बेटा, और ये पुलिस में नौकरी करते हैं। और मेरे ननद के हस्बैंड बहुत ही अच्छे आदमी है, और अभी ननद के बीमार के कारण ये जा नहीं पाते हैं ऑफिस अच्छा से। और ये मेरी ननद भी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, बहुत ही ज़्यादा, हम तो सोच भी नहीं पा रहे थे जो वो कैसे ठीक होगी, लेकिन अभी भगवान करे वो ठीक हो गई है, थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है। किसी भी घर में जब माँ बीमार होती है तो पूरा परिवार ही बिखर जाता है, तो इसीलिए आप भी भगवान से प्रार्थना कर दीजिए कि इसकी परिवार अच्छा रहे, हंसी खुशी रहे। और मैं यहाँ डाइनिंग टेबल में खाना रेडी कर रही हूँ, अब सब खाना खाएंगे और मैं और मेरी ननद बाद में खाना खाएंगे। और यहाँ मैं केसु, जो मेरे भांजा है, उसको मैं चिढ़ा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ खाना कैसा लग रहा है, खाना कैसा लग रहा है, तो वो शर्म से हाथ दिखा रहा है। तो मैंने बोला सिर्फ अच्छा से हाथ दिखाओ, तो फिर अच्छा से हाथ दिखा रहा है। अभी तो स्कूल भी बंद है, पता नहीं कब खुलेगा इन लोग का स्कूल, लेकिन अभी तो अच्छा ही है क्योंकि उसका माँ बीमार है, तो घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए हमेशा, तो केशु ही रहता है अपने माँ के पास। मेरी ननद हमारे घर के पास ही में रहते हैं, तीन चार घर को छोड़ के ही उनका घर है, तो मैं कभी कभी जाती हूँ तो देखती हूँ केशु माँ के पास बैठ के टीवी देख रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है, माँ का भी ध्यान रख रहा है, टीवी भी देख रहा है, तो बेटा ऐसा ही होना चाहिए, माँ को ध्यान रखने वाला। और सब खाना खा चुके हैं और मैं और मेरी ननद खाना खा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। और उसको हाथों से खाने में थोड़ा तकलीफ होता है, हाथों में दर्द होता है, पहले तो खा नहीं पाती थी, अभी तो अपने हाथों से खा रही है, तो ये देख के खुशी भी लगता है और दुख भी लगता है कितनी देर से ये बीमार है। जब ये बीमार नहीं थी उस टाइम अपने ही घर में ब्यूटी पार्लर का काम भी करती थी, इनका थ्रेडिंग और फेशियल बहुत ही अच्छा होता है,
मैं तो हमेशा इन्हीं के साथ करती थी, लेकिन अभी तो मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ सब मिलके बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।